फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है, बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मीलिया का एक ऐसा इलाज बताऊंगी कि आप आसानी से 6 से 8 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपके जो भी मीलिया के छोटे छोटे दाने हैं ना, वो दूर हो रहे हैं। मीलिया एक ऐसी बीमारी है, ऐसे दाने होते हैं मीलिया के जो आंखों के पलकों के ऊपर होते हैं या फिर आंखों के नीचे होते हैं, और ऐसे दाने होते हैं जिनमें ना मवाद होती है, पस होती है, ना ही दर्द होता है, ना ही खुजली निकलती है, ना ही उसमें खून आता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने उपाय की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, यहाँ पे हम क्या लेंगे, पिसी हुई चीनी। मैं क्या करती हूँ, पिसी हुई जो चीनी होती है ना, उसको पीस करके रख लेती हूँ कोई भी छोटी सी डिब्बी में। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी लूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी शहद, आधा चम्मच के करीब शहद ऐड करूंगी। इसमें ऐड करूंगी दूध, दूध भी मैं बिल्कुल जरा सा सा, मतलब यानी कि 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। दूध, अब जो हमारा इंग्रेडिएंट है नींबू, तो 2 से 3 बूंदे मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। अब ये सारे मिक्सचर को आप अच्छे से मिला दें। याद रखना कि जो चीनी मिलाई है वो चीनी घुले ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मीलिया वाली जगह पे, यानी कि फेस को, चेहरे को, जहां भी आपके मीलिया है उसको भाप दे दीजिए, स्टीम कर दीजिए। जब आप स्टीम करेंगे मीलिया पे तो क्या होगा ना, वो नरम पड़ जाएंगे, थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। जब वो ढीले पड़ जाए तब आपको ये जो स्क्रब है आपको अपने चेहरे पे लगाना है। तुरंत स्टीम करने के बाद इस स्क्रब को अपने मीलिया वाले जगह पे इस तरीके से मसाज करें। आप देख सकते हैं, आपको हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है, कस कस के मत करना क्योंकि हमने इसमें शुगर मिलाई है। और आपको मसाज तब तक करनी है जब तक ये जो शक्कर है बिल्कुल डिजोल्व नहीं हो जाए, घुल नहीं जाए आपके चेहरे पे। तो आपको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीलिया वाली जगह पे इस तरीके से मसाज करनी है। आप देख सकते हैं, और बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है क्योंकि शक्कर है। तो मीलिया वाली जगह पे अगर आप ऐसे मसाज करेंगे, और तो आपके जो मीलिया के छोटे छोटे से दाने हैं ना, वो निकलना चालू हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको पहले से ही ढीला कर दिया है, मुलायम कर दिया है स्टीम से। जब आप भाप से उसको मुलायम कर दोगे तो निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है मीलिया के दानों को। तो इस उपाय को आप हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार तो जरूर करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 दिन करिए, और आपको ही 7 दिन में कोई भी नुकसान नहीं होगा, नेचुरल तरीका है। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, पूरे दिन में 1 बार इस तरीके की आपको स्क्रबिंग जरूर करनी है, और अपने चेहरे पर स्टीम जरूर देते रहें 1 से 2 बार। तो ये था हमारा छोटा सा उपाय, जरूर करके देखिएगा, तो आपको खुद ही फर्क देखना चालू हो जाएगा। आप खुद फील करेंगे कि जो आपके मीलिया की समस्या है वो धीरे धीरे जाने लगी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसी ही रेमेडी चाहते हैं तो मैं आपके लिए और भी लेकर के आने वाली हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेमेडी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।